हिंदी में समाचार पत्र, पहले परीक्षा भवन, फिर नेक्स्ट लाइन में अबस केंद्र, थर्ड लाइन में कोलकाता और पिन कोड, फिर एक लाइन का गैप, फिर दिनांक, दिनांक नंबर्स में होंगे। आज का डेट सपोज ये है तो ये होगा। सेवा में, सेवा में के अलावा आप प्रति भी लिख सकते हैं। फिर संपादक, और फिर नव भारत टाइम्स, कोई और भी टाइम्स जो कि समाचार पत्र का नाम है वो लिखना है। फिर लाल चौक कोलकाता, पिन कोड डिपेंड करता है। विषय, विषय प्रश्न से उतारना है, प्रश्न से उतारना है, महोदया कॉमा। फिर समाचार पत्र में ये आप सेम लाइन लिख सकते हैं, इफ यू वांट यू कैन, अब दूसरा लाइन्स भी लिख सकते हैं, कैन चेंज द लाइन्स, बट ये बेसिक लाइन है कि मैं आपके लोकप्रिय दैनिक समाचार नव भारत टाइम्स की, टाइम्स की नियमित पाठक हूँ। इस समाचार पत्र में प्रकाशित मूल्यपरक लेख अत्यधिक ज्ञानवर्धक होते हैं। आपकी समाचार के माध्यम से मैं जो प्रश्नों में जो प्रॉब्लम का उल्लेख किया जाएगा वो प्रॉब्लम लिखना है। फिर सेकंड पैराग्राफ में अंत, आपसे निवेदन है कि आप मेरे विचार को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित ज़रूर, ज के नीचे बिंदी आएगी, ज़रूर करेंगे, जिससे कि लोग फिर जो प्रॉब्लम है उसको फिर से प्रकाशित करेंगे, यहाँ पे उल्लेख करेंगे। और फिर एक लाइन छोड़ के मैं आपका सदैव सदैव आभारी रहूँगी, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के धन्यवाद या फिर सिर्फ धन्यवाद, भवदीय, भवदीय, या फिर लिख सकते हैं भवदीया, या भी लिख सकते हैं भवदीया, डिपेंड करता है। और फिर नाम, यूजुअली नाम क ख ग होता है, तो वो भी लिख सकते हैं, या फिर कोई भी नाम जो कि आपका नाम वो लिख सकते हैं। पहले तो समाचार पत्र में परीक्षा भवन लिखेंगे, अब केंद्र लिखेंगे, कोलकाता विद पिन कोड लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर दिनांक लिखेंगे। दिनांक शब्द लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, यूजुअली लोग नहीं लिखते हैं। एक लाइन छोड़ने के बाद प्रति में, प्रति या सेवा में लिखना है, प्रति में नहीं, प्रति या सेवा में। फिर संपादक, फिर नव भारत टाइम्स या फिर कोई भी समाचार पत्र का कोई भी टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ भी लिख सकते हैं। लाल चौक कोलकाता, फिर उसका पिन कोड नहीं भी देने से चलेगा। विषय प्रश्न से कॉपी करना है, फिर एक लाइन छोड़ के महोदया, फिर एक लाइन छोड़ के मैं आपके लोकप्रिय दैनिक समाचार नव भारत टाइम्स का नियमित पाठक हूँ। इस समाचार पत्र में प्रकाशित मूल्यपरक लेख अत्यंतिक ज्ञानवर्धक होता है। आपकी समाचार में किसी के माध्यम से जो भी प्रॉब्लम है वो लिखना है। और फिर सेकेंड पैराग्राफ में अंत, आपसे निवेदन है कि आप मेरे विचार को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित ज़रूर करेंगे, जिससे कि लोग जो भी है प्रॉब्लम, फिर से वही लिखना है, जैसे कि लोगों प्रॉब्लम को समझे, वो चीज़ को दोहराए ना, जब वो प्रश्न कोरोना में मास्क ना पहने पहनते हैं लोग, तो उसके ऊपर जवाब लिख रहे हैं, तो लिखना पड़ेगा, जैसे कि लोग मास्क पहने, ये जो स्थिति है उसकी गंभीरता को समझे, ये सब चीज़ लिखना पड़ेगा। और फिर लास्ट में लिखना है मैं आपका सदैव आपकी होगा, आपकी आप की, पता नहीं ये की होगा, की आपकी सदैव आभारी रहूँगी। फिर एक लाइन छोड़ के धन्यवाद, या फिर सिर्फ लिख सकते हैं धन्यवाद, धन्यवाद बेटर लग रहा है, या फिर धन्य, सिर्फ धन्यवाद भी लिख सकते हैं, या भवदीय, या भव भव दी, भवदीया, ठीक है, भवदीया। और यहाँ क ख ग नाम की जगह में क ख ख ख ग कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब नाम लिखना है बेसिकली, ठीक है। तो यही था समाचार पत्र जो 5 मार्क्स का आता है हिंदी कोर एग्ज़ाम में, या कोई भी समाचार पत्र जो भी ज़रूरी है, बेसिक समाचार पत्र है हिंदी का। दिनांक शब्द आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप ये हेल्पफुल रहा।